नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा शहर की बात करें, दरभंगा शहर में जाम से जूझ रहे हैं स्थानीय लोग, जिस वजह से स्थानीय प्रशासन पर लगातार सवाल उठता रहता है। अभी इस वक्त दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी, जला रेड्डी और DM राजीव रोशन सभी लोगों ने जो एक योजना बनाया है, जिसको लेकर अब वाहन पार्किंग मना है। साथ में आपको बता दें कि यहां पर जो स्थिति बनी हुई है जाम को, उसको संभालने के लिए यहां सभी ट्रैफिक के जवान हैं, वो लगातार खासकर कार्रवाई करते रहते हैं। चलान का महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होरलपट्टी दरभंगा बिहार, यहां पर नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ANM GNM BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स INC BNRC बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। का संपर्क सूत्र है 9102808052। यहां के बच्चे DMCH में प्रैक्टिकल करते हैं, आते रहते हैं। और दरभंगा के समाहरणालय के आसपास जो है वाहन लगाना वर्जित है, आपको बता दें, लेकिन स्थानीय लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को जल्दबाजी में कोर्ट खजरी का काम रहता है, समाहरणालय जाना रहता है, और ऐसे में लोग जो है उस नियम को पालन नहीं करते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक विभाग को लगातार गाड़ियों को उठाना पड़ता है, और गाड़ी उठाने के बाद नाका 6 थाना जो है ट्रैफिक थाना, वहां पर ले जाकर फिर उसे अगर आपको छुड़ाना है तो आपको यातायात के तहत जो है उसका जो नियम है उसका पालन करते हुए अगर आप हर्जाना भरते हैं, वहां पर जुर्माना भरते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। इसी तहत दरभंगा ट्रैफिक विभाग ने यहां पर कार्रवाई किया, लोग यहां पर अपनी गाड़ी को उठते हुए देख रहे हैं। आइए पूरा कवरेज दिखाते हैं आपको। खुद ट्रैफिक DSP और जो थाना प्रभारी हैं, उन सभी लोगों ने बेहतर तरीके से ये काम किया है, लेकिन उन दुकानदारों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके दुकान के पास पार्किंग नहीं है और वो बड़े बड़े दुकान खोल रखे हैं। अगर पार्किंग नहीं है तो खुद पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए, और ऐसे में लोग जो है उनके सामने लगाकर चले जाते हैं, खरीदारी करने लगते हैं, घंटों जाम रहता है सड़क, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बड़े बड़े मॉल खोल कर रखे हैं लोग दरभंगा शहर के, आप अगर आप बीचों बीच जाते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं घंटों लग जाएगा आपको शहर के बीच से गुजरते हुए। आप कुछ कर तो रही ना, हो पाएगा।